नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 18 जुलाई को होगी। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपना रुख साफ कर दिया है। कुछ द्रौपदी मुर्मू तो कुछ यशवंत सिन्हा के पक्ष में खड़े हैं। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान किया है। बसपा ने भी इस चुनाव में मुर्मू को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। ऐसे में राजनीतिक दलों के समर्थन के ऐलान के बीच यूपी में मुख्तार अंसारी के परिवार को लेकर दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। लेकिन वही मुख्तार परिवार जिसके सैकड़ों की अवैध प्रॉपर्टी योगी सरकार ने ध्वस्त कर दी, आज वही परिवार योगी के साथ है। जी हां, सही सुना आपने। इस रिपोर्ट में देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस मुख्तार अंसारी पर एक्शन दिखाकर सीएम योगी और बीजेपी ने अपनी कानून व्यवस्था के तमाम दावे किए थे, अब उन्हीं मुख्तार अंसारी के बेटे को विधायक बनाने वाली पार्टी ने योगी सरकार का समर्थन कर दिया है। मुख्तार अंसारी के जिस बेटे अब्बास अंसारी ने गाजीपुर में अफसरों के लिए ये कहा था कि 6 महीने कोई ट्रांसफर नहीं होगा और सबका हिसाब किया जाएगा, अब उसी अब्बास अंसारी से योगी सरकार राष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन लेने जा रही है। जिस अब्बास अंसारी पर अफसरों के खिलाफ बयान देने को लेकर योगी सरकार ने ही मुकदमा कराया था, अब उसी अब्बास अंसारी से योगी सरकार और बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन लेने को स्वीकार किया है। अब्बास अंसारी उसी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब अमित शाह के कहने पर बीजेपी का राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करने का ऐलान किया है। राजभर के पास जो 6 विधायक है उसमें एक विधायक अब्बास अंसारी भी है, जो इस बार अपने पिता मुख्तार की सीट मऊ सदर से चुनकर यूपी की विधानसभा में पहुंचे हैं। अब्बास अंसारी का वोट अब उसी एनडीए के उम्मीदवार के लिए डलवाने की तैयारी की जा रही है, जिसके नेता ये कहते थे कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आ जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के समर्थन की बात कहने वाले राजभर ने कहा है कि मुख्तार के बेटे अब्बास से उनकी बात हुई है, वो उनके साथ हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिस मुख्तार अंसारी पर बुलडोजर एक्शन की बात कहकर बीजेपी ने यूपी में सत्ता और कानून व्यवस्था के दावे भरे, उनके सगे बेटे से बीजेपी का समर्थन लेना कितना सहज हो पाएगा। दूसरी बात ये भी है कि अगर बीजेपी अब्बास अंसारी से समर्थन लेती है तो क्या वो उन बयानों के लिए माफ कर पाएगी जो कि अब्बास ने 22 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ दिए थे। साथ ही ये भी कि जिन मुख्तार का परिवार जीवन भर योगी के कट्टर विरोधियों में एक रहा, क्या योगी खुद उनके समर्थन के लिए राजी हो सकेंगे। हालांकि ये तो राजनीति है, मंच पर दिए बयान और असल हकीकत में हमेशा ही फर्क रहता है, जनता भी ये बात जानती है। बता दें, 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव होगा। संयुक्त विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं एनडीए ने मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही नेता लंबे समय से राजनीति में हैं और विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।